और उसको मैंने बोला था कि घर से पिक करने के लिए, बट वो कमीना नंबर वन है। समथिंग चेंज इन द प्लान। भूख लगा हुआ है ना, पानी पूरी। ये तरीका जो है सबसे ओल्ड और क्लासिक वाला है। ये पहला गिफ्ट है। अब देख लो इस लड़की को, ये लड़की अभी भी कंफ्यूजन है जूते को लेके, कौन सा जूता पहनेगी। अभी बेलीज निकाल रही है। मेरे को याद नहीं था, नया था। अरे यार वैसे टूट जाएगा। अभी हम लोग रिक्शा में हैं। एक्चुअली आज बाइक लेके नहीं जा रहे हैं, आज जो है राजीव हम लोग को पिक करने वाला है। और उसको मैंने बोला था कि घर से पिक करने के लिए, बट वो कमीना नंबर वन है, तो वो मेरे को एयरपोर्ट के पास बुलाया। तो अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, और एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वो पहले पहुँचेगा या मैं पहले पहुँचूँगा, मतलब हम लोग दोनों। और ये आज बहुत अच्छी लग रही है वैसे। फिलहाल अभी रिक्शा से उतरने वाले हैं, उतर के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। समथिंग चेंज इन द प्लान। और वो प्लान अभी चेंज ये हुआ है कि राजीव ने हम लोगों को कॉल करके बोला कि हल्दीराम रुकने के लिए, तो वो अभी हल्दीराम आएगा और हल्दीराम से हम लोग को पिक करेगा। और इतना ज़ोर भूख लगा हुआ है ना, पानी पूरी, थोड़ा पानी पूरी खाना बनता है। भूख के वजह से पानी पूरी नहीं खा रहा, पानी पूरी खा रहा था इसलिए भूख लगी। हाँ ये भी बात है, बट फिलहाल अभी पानी पूरी खाते हैं और राजीव का वेट करते हैं। जब तक पानी पूरी खाएंगे तब तक राजीव भी आ जाएगा आई होप। तो राजीव आता है फिर मैं आपसे मिलाता हूँ, बर्थडे बॉय। ओए तो ये रही रिया, ये रही मैडम हमारी, और ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। मुर्गा ऑफ द डे। अभी हम लोग डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कि हम लोगों को पहले केक कटिंग करने के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढ के वहाँ पे केक कटिंग कर ले, और उसके बाद रेस्टोरेंट जाए, या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढे जहाँ पे केक कटिंग भी हो जाए और सेलिब्रेट भी हो जाए। तो वो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आगे चल के कहीं पे रुकेंगे, रुक के वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि पहले क्या करना है। केक कटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट में जाना है, या फिर केक कटिंग करने के लिए रास्ते पे, माने जो रोड साइड वाला जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना, वो करना है। तो अभी तक हम लोग डिसाइड कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आगे चल के डिसाइड करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम लोग ने क्या डिसाइड किया है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक रास्ते पे जैसे रुके हैं, और ये बहुत दिनों बाद हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग मैक्सिमम टाइम जब भी सेलिब्रेट करना होता था ना, तो हम लोग रेस्टोरेंट पे या फिर कहीं किसी के घर पे। लेकिन ये तरीका जो है सबसे ओल्ड और क्लासिक वाला है, ये स्कूल डेज और कॉलेज डेज की याद दिलाती है। तो इसीलिए अभी जो हम लोगों ने गाड़ी रोक दिया, केक कटिंग करेंगे, और पॉपअप रेस्टोरेंट में तो अलाउ नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। और ये रास्ता काफ़ी सुनसान है, काफ़ी अच्छा भी है। ये फोटोशूट करने में बिजी है, इसका बर्थडे है, इसको उससे कोई परवाह नहीं है। केक यहाँ पर रखा हुआ है और ये हम लोगों से फोटोशूट करवा रहा है। तो दोनों अपना फोटो क्लिक कराने के लिए, देखिए सिर्फ पोज एक्सप्लेन किया जा रहा है, विकी एक्सप्लेन कर रहे हैं राजीव को कि ऐसे करके लेना पोज, ऐसे करके देना, हम पिक्चर क्लिक करेंगे। दिस पीपल आर सो एंग्शियस। देखो आप, देखो उन दोनों को, आज फोटो क्लिक कर लीजिएगा आप लोग या कल। इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बात कर रही हूँ, बोला भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं दिया। आप देखो उनको, देखो बैलेंस होते पारे ना, ओई दिके ताकाबे कैमरा दिके ताकाबे। 1 2 3 स्टार्ट। ये रहा अभी जो केक निकल रहा है बाहर, गाना बंद कर दो। हाँ ओह लवली। ये किसका पूरा कुछ है, पूरा केक पीछे से थोड़ा खराब हुआ है। अरे देखो ये एक यहाँ पे राजीव का फोटो, ये दीघा में हम लोग साथ में गए थे, ये उसका फोटो है। मेरा टोपी लगा के रखा है लड़के ने हाथ में एजर पे। और ये कहाँ का है राजीव? ये तारापीठ का पहला राइड हम लोग का। और सामने एक राइडर माने एकदम पहाड़े उठछे रकम का डिजाइन। ओके ये पहाड़ पे चढ़ रहे हम लोग बाइक लेके, वो उसका। और ये रहा राजीव, এটা হচ্ছে বার্থডে বয়, নিজের ক্যান্ডেল নিজেই জ্বালাচ্ছে। সো উই আর অন উইথ দ্য সেলিব্রেশন। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ,
हैप्पी बर्थडे डियर राजीव, हैप्पी बर्थडे चंपा। तेरे गांव गोले अच्छे बूटे खूब सॉफ्ट दाउ বিকি এখন রাজীবকে বলছে কি আমি যে টি-শার্টটা দিয়েছি তুমি এখনি এটা পরো, গাড়ির ভেতর গিয়ে এখনি পরো। রাজীব বলছে না আমার একটা স্পেশাল ডে আছে পরে আমি তখন পরবো। এখন দুজনের মধ্যে বুঝে না, এরা স্পেশাল দিতে একটা নতুন জিনিস পরা একটা মানে আনন্দটাই আলাদা, এরা এটা বুঝে না, একদম বুঝে না। ये सारा गिफ्ट टुम्पा का है। अभी मैडम गिफ्ट दी है, ये पहला गिफ्ट है फ्रॉम मैडम इनके इनके तरफ से, और ये गिफ्ट जो है राजीव के लिए है, और इन्होंने बनाया है लिया है जैसे भी किया इनको मालूम है, बाद में स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पहले गिफ्ट को ओपन करते हैं। राजीव ओपन करोगे? दौड़ 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 কিছু করার নেই, ডগি পছন্দ করে গাড়ি পছন্দ করে। ये राजीव के मम्मी पापा है, ओहो हम लोग भी हैं। ये दीघा का राइड था, और ये तो अभी कैंप कैंप का, और ये इस बार जो हम लोगों ने गए, हम लोग गए थे कहाँ, बोनोबिथी, ये वहाँ का है, ये तारापीठ का है, ये तो बाइक जब लिया था डिलीवरी तब का है, ये भी दीघा का है, ये बोनोबिथी का है, ये गैंगटॉक का है, मलेशिया, ये मलेशिया का है, कैसे दिखाऊं मलेशिया, ये रहा काज जोनो एटा द्रितीत जोनो राजीव दीज। ओह थैंक यू फॉर द लॉलीपॉप। ये रहा बर्थडे बॉय, ये रही मैडम, और ये रहा पिक्चर परफेक्ट फ्रेम। राजीव कुछ बोलना है? आज तो खुश बहुत हो गए तुम, अच्छा लगा, ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, मैंने ऐसा गिफ्ट मैंने कभी भी कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं है, मैंने आँख बंद कर भी आँख खोल के भी सोचा भी नहीं है, मैंने एक्चुअली हम लोग देखा भी नहीं, फिजिकली हम देखा भी नहीं ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर गिफ्ट। थैंक यू सो मच, इधर थैंक यू सो मच, फुल क्रेडिट गोज टू मैडम। और ये तो खाने में और केक खाने में ही बिजी थी वहाँ पे। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट आ चुके हैं, और हम लोगों का यहाँ पे ना थोड़ा प्लान चेंज हुआ है, प्लान चेंज इस तरीके से हुआ, पहले वहाँ पे एक प्लान चेंज हुआ, अभी यहाँ पे भी एक प्लान ये चेंज हुआ कि पहले हम लोग सोचे थे कि यहीं पर डिनर करेंगे और डिनर करके सब अपने अपने घर, लेकिन यहाँ पे प्लान में चेंज इस तरीके से आया कि राजीव को अपने एक दीदी के घर जाना था, मैंने उसको बोला कि एक काम कर, ये बदमाशी कर रहा है, ये मेरे को चम्मच दे रहा, बोल रहा माइक है, ये तेरा माइक ले बात कर, लेकिन उसको अवॉइड करो आज। तो प्लान अभी ऐसा है कि यहाँ पे हल्का फुल्का खाएंगे, और हल्का फुल्का खाने के बाद जो है राजीव मेरे घर आएगा रात को, हम लोग रात को घर पे चिल आउट करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हल्का फुल्का खा के, तो हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और फिर यहाँ से खाते हैं और खा के निकलते हैं। 2000 years later. 12টা বাজে, এখনো 15 মিনিটস লেফট। টুম্পা রাজীবের কোনো পাত্তা নেই, অন্ধকার বাইরে। 12টা বাজে চললো, টুম্পা রাজীবের এখনো কোনো পাত্তা নেই, কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করার পর আমরা আড়াই ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়েছি, তাই না বিক্রম? ढाई घंटे हम लोग सोए हैं, लेकिन अरेंजमेंट करने के बाद, लेकिन राजीव और टुम्बा अभी तक पता नहीं, और 12 बजे के बाद उसका बर्थडे भी खत्म हो जाएगा, और वो बर्थडे का पार्टी करने आ रहा है 12 बजे, जब खत्म होगा तब क्या बोल, मेरे पास कुछ बोलना ही नहीं। सो मतलब पार्टी अरेंजमेंट तो सब हो गया, सो
ইগলি ওয়েটিং টু পার্টি হার্ড সো লেটস সি কখন আসেন ওনারা কখন আমরা পার্টি স্টার্ট করি কটায় স্টার্ট করি বারোটার আগে না বারোটার পর সো অ্যারেঞ্জমেন্টস তো সব ডান সো স্টিল ওয়েটিং ফর দ্যাম লেট দ্যাম কাম 1247 और ये तो फोन पता चल ही रहा होगा किसका है आया है ये रही मैडम ये रही रिया गुड मॉर्निंग है ना बोला नहीं कि मुंह तो चलता ही रहता है इसका हाँ और राजीव अभी हम लोग लैपटॉप पे कोई गाना चला रहा है और हम लोग का पार्टी चल रहा है तो अभी पार्टी कर लेते हैं